ये अभी हम हापानिया डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में खड़े हैं। यहाँ पे हम 300 बेड का डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बना रहे हैं, जिसमें 100 ऑक्सीजन बेड्स। ये हमारा कल शाम तक इसमें सारा सब कुछ हो जाएगा, मतलब सामान वगैरह जो है। परसों सुबह से इसको हम चालू करने के प्लान कर रहे हैं, तो शनिवार को सुबह से हम आशा करते हैं कि यहाँ पे हम पेशेंट लेना शुरू कर देंगे, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों को रखा जाएगा। तो ग्राउंड फ्लोर पे जितने बेड्स हैं वो सारे ऑक्सीजन बेड्स होंगे, जिसको हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सहायता से ऑक्सीजन बेड्स लगा रहे हैं। फुली सेंट्रली एयर कंडीशनड है और इसका हमको पूरा तैयारी कर रहे हैं हम, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि अगरतला एवं त्रिपुरा के अलग अलग पार्ट्स में भी पॉजिटिविटी रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। केसेस की संख्या जो है वो दोगुना तीन गुना के रेट से बढ़ रही है हर डेली। तो इसके वजह से हम सिर्फ और सिर्फ जीबी अस्पताल में सिर्फ सीरियस केस हम भेजना चाहते हैं। वहाँ पे जो ऑक्सीजन बेड्स और आईसीयू वेंटिलेटर्स हैं वो सब जो हैं वो अराउंड 245 बेड्स हैं वहाँ पे, जिसमें आईसीयू में लगभग 70 होंगे। तो हम उनके ऊपर ज़्यादा लोड ना है, उसके लिए हम थोड़े कम सीरियस जो पेशेंट हैं, मॉडरेट केस, उनको यहाँ रखेंगे, उनकी यहाँ पर अच्छी देखभाल की जाएगी। इसका जो है, इसका मैनेजमेंट जो है वो मेडिकल पार्ट जो है वो त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज हापानिया जो है उनकी तरफ से किया जा रहा है। राज्य सरकार की तरफ से भी कुछ हम इसमें मैन पावर दे रहे हैं, मेडिकल स्टाफ, और एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट पूरा का पूरा हम डीएम ऑफिस वेस्ट त्रिपुरा के यहाँ से कर रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि इतने के साथ हमारे एटलीस्ट ऑक्सीजन रिक्वायरिंग जो पेशेंट्स हैं उनको ऑक्सीजन की शॉर्टेज दी। बिना ऑक्सीजन रिक्वायरिंग पेशेंट जो होंगे या जिनको कभी कभी ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, उनके लिए हम एक और कोविड केयर सेंटर जो बनाने जा रहे हैं 11 तारीख को शुरू होगा, वो बाजारघाट स्पोर्ट्स स्कूल में होगा, जिसमें 250 बेड होंगे। तो उसमें भी तैयारी चल रही है, वो हम 11 तारीख से शुरू करेंगे। थैंक यू।